आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। अब कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे को उंगली नहीं उठाई। मैं केंद्र मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, 18 साल ये रहे। कुछ इंक्वायरी करते, कुछ केस चलाते, कोई कार्रवाई नहीं। और आज कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। किस चीज़ में आप कह रहे हैं भ्रष्ट है? ये आपने हवा में बोल दी बात, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। केवल कमलनाथ की आलोचना करो। कल नड्डा जी आए थे, नड्डा जी कहते हैं हमने वापस ले ली, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की, बिल्कुल झूठ। कहते हैं कि हमने भावांतर योजना बंद कर दी। आज कौन सी भावांतर योजना चल रही है? मैं तो पूछना चाहता हूँ, आज कौन सी भावांतर योजना चल रही है? शिवराज सिंह जी माहिर हैं झूठ बोलने में और दूसरों से झूठ बुलवाने में। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं शहडोल, ये मैं तो चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी उनसे पूछें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी अत्याचार क्यों है। प्रधानमंत्री पूछे शिवराज सिंह जी से कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश क्यों है। ये प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देंगे, उनको कागज देके। अमित शाह जी आए थे, उनसे झूठ बुलवा दिया। नड्डा जी आएंगे, झूठ बुलवा देंगे। झूठ बोलने में तो माहिर हैं, अब ये झूठ बुलवाने में भी माहिर बन गए। आपके पक्ष में माहौल है, लगातार आप भी माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ग्वालियर संभल का लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे पार्टी की भी किरकिरी होती है। फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया नरोत्तम मिश्रा के, उनके पिताजी के अंदर उनका खून है, अगर वो उनके पिताजी भी आ जाएंगे तो चुनाव नहीं जीता पाएंगे, तो ऐसे नहीं लगता सर? देखिए, ये जोश में बोल रहे होंगे, पर उन्होंने किसी समाज या किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। आज दतिया की जनता क्या सोचती है वहाँ, मेरे ख्याल में उस उनकी भावनाओं से वो ज़्यादा भटक गए। जनता की भावनाएं क्या है दतिया में, ये भी तो पता चलाइए आप लोग। सर, जनता और वहाँ का जो अधिकारी है वो ये बोल रहा है कि हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और हम सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन उल्टे लटकने के लिए लाएंगे क्या सरकार इस तरह? देखिए, ये सब बात मैं तो कभी नहीं करता, मैं कभी नहीं करता। सर, आपकी बनाई हुई जमीन को खत्म करने की कोशिश कर रहे, ये मेरे ख्याल में उनका कोई दुर्भावना से बात नहीं थी। बोलते बोलते जोश में बोल गए। नहीं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, इस प्रकार के भाषण नहीं देने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि इस लेवल तक हम ले आए, ये हमें नहीं लाना चाहिए। जैसे अब शिवराज सिंह जी ला रहे हैं कमलनाथ को, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये तो बताएं भ्रष्टाचार किस चीज में, ये क्यों नहीं करी उन्होंने इंक्वायरी, क्यों नहीं चलाया कोई केस? मैं तो 15 महीने मुख्यमंत्री था, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, 11.5 महीने में जो हुआ जनता के सामने है। आज मैं तो पब्लिक से पूछता हूँ आम सभा में कि भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे सुनने आया हूँ, और आदमी खड़ा होकर बोलने लग जाता है कि यहाँ पैसे दो काम लो। सर, आपने कोलिशन का लंबा एरा देखा है, अभी आम आदमी पार्टी इन दोनों से रिपोर्ट के मुद्दे पे अब समर्थन करती दिख रही है, शिवसेना की जो उद्धव भाई ठाकरे की शिवसेना है वो समर्थन करते दिख रही है, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन प्योरिटी की जो बात हो रही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की? देखिए, ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? हमें मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज को भी सुरक्षित रखना है, इसमें कैसा आएगा, जब ये आ जाएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी ये प्री मैच्योर है कि जो चीज आई नहीं है हम हवा में बात कर रहे हैं। सर, ये आपको लग रहा है बीजेपी आदिवासी इलाकों में ज्यादा फोकस कर रही है लगातार? वो जहां भी फोकस कर ले,
अगर नंबर वन है मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में, और जो आज सामने आती है आदिवासी अत्याचार की बातें, वो तो 10% है। गांव में क्या अत्याचार हो रहा है, जगह जगह जिले जिले में आदिवासी अत्याचार, हमारे एससी पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये बात याद रखिए, जो आपके जानकारी में आती है वो 10% है। बहुत सारे लोग तो चुप बैठ जाते हैं। सर, आज ग्वालियर में आम आदमी पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में अपना संक्रांत कर रही है, चुनावों का बड़े नेता आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या सोचते हैं तीसरा ग्रुप खड़ा हो क्या? देखिए, मुझे किसी ग्रुप से कोई आ जाए, आज जनता बीजेपी को हराना चाहती है। आप का तो नाम नहीं सुना, गांव में पूछिए आम आदमी पार्टी क्या है, ये तो शहरी एक तमाशा है। ये क्या हो रहा है गांव में, आज पंजाब का क्या हाल है, ये सब बातें तो सामने आएंगी। और जिस पार्टी को जीतना ना होए, वही पार्टी आके जनता को बहुत सारे आश्वासन दे देगी। वो तो कहेगी मैं आपको स्कूटर क्या, मैं तो आपको हेलीकॉप्टर दूंगा। ये क्या आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कि जनता का लक्ष्य एक है, इस सरकार को हटाने का, कांग्रेस को लाने का। और क्या, तो क्या वो बिहार से लाएंगे, टीएम से लाएंगे? सर, दो संचालकों के साथ आज जो बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या बेहतर होना चाहिए गायों के लिए? देखिए, ये रिकॉर्ड बताती है कि हमने 1000 गौशाला बनाई थी, आज गौशाला का क्या हाल। ये गौ सेवा हमारे सामाजिक मूल्य का एक बहुत बड़ा अंग है। मैंने अपने घर में छिंदवाड़ा में गौशाला बनाई हुई, कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, भावना से, मेरे अपने घर में छिंदवाड़ा में अपने गांव में गौशाला है। सर, गौरक्षकों को लेकर अधिकतर गौरक्षकों की बात जो होती थी, अधिकतर बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहता था, क्या कांग्रेस भी अब उसी विचारधारा? देखिए, हमने तो कर दिखाया, हमें घोषित नहीं करना, हमने तो कर दिखाया, वही हमारी घोषणा है। चलिए ये रिस्पेक्टेड सर, अभी हमारे कैंपेनिंग का एक पार्ट है, इसको लोकार्पण करेंगे। थैंक यू सर। तसल्ली हुई आप लोगों को? आप लोगों की मजबूरियां भी मैं समझता हूँ। बहुत सारे जो सर्वे आते हैं।